जानबूझ करके मन का वाचा करवाना किसी को तकलीफ न दे। और निर्गुण परमात्मा हृदय में बसा हुआ है आत्मा के रूप में, उसे आप उसको जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, रूह सोल कह लो, खुदा गार ब्रह्म कह लो, मर्जी आपकी। शब्दों को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपसे अलग नहीं है, वो आपका स्वरूप है। और जिसे आप खोद रहे हो वो इसी शरीर में निवास कर रहा है। गीता में श्लोक आता है, मन ऐसा लगता है मनो कबीर साहब ही कह रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता सा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा यदि चापी तो देहे अश्विन पूर्व का पाया। उपद्रष्टा जो सबको देखने वाला है, जानने वाला है, जो अनुमंता सबको प्रेरणा करने वाला है, सारे ज्ञान विज्ञान कला कौशल मतपन का जो भरता है, भरण पोषण करने वाला है, जो भरता सारे और जो भोक्ता अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग भोगने वाला है, जो महेश्वर जो महान ईश्वर है, और परमात्मा की चापी तो जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, वो कौन? देहे अस्मिन, इस शरीर में रहने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष जी है हुआ है। भटकना कहां है? भटकना कहीं नहीं है, केवल अपने मन को अंतःकरण को निर्मल करने की आवश्यकता है। उसके लिए साहब कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभन सूटे ऐसी तारी लागी। ये हम लोगों सबके लिए है। एक होती है सद्गुरु कबीर की सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। सहज समाधि कहीं एकांत में एक जगह बैठ करके होती है। सहज साधना क्या है? वह साधना जो हर समय हर जगह की जा सके, वो सहज साधना है। वो क्या है? निरंतर अपने मन को देखते रहना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। उसके लिए यहां कहा गया, शब्द निरंतर मनवा राता। अब मेरा मन ज्ञान के शब्दों में, सदगुरु के शब्दों में बराबर लीन हो गया है। सदगुरु के वचनों को छोड़ करके मेरा मन अब कहीं भटकता ही नहीं है बाहर, तो ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है कि मेरा मन ज्ञान शब्दों में लगा हुआ है। कसौटी क्या है? मलिन वासना त्यागी, मन की जो मलिन वासना है, मलिनता है, उसका त्याग। मेरे मन में किसी के लिए मलिनता तो नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए द्वेष तो नहीं है, घृणा या वैर विरोध का भाव की भावना तो नहीं है, किसी के लिए किसी को देखकर मेरे मन में कर्ता तो नहीं आ जाता है। अभी कर्ता आ गई तो मेरे मन में मलिन वासना है। ज्ञान के शब्दों में मन मलिन होने का मतलब है सारी मलिन वासना का त्याग। अहंकार आ गया तो वो भी वासना है, लोभ आ गया तो वो भी वासना है, द्वेष आ गया तो भी वो भी वासना है, मैं बड़ा गुरु बन जाऊं, बड़ा महान बन जाऊं, वो भी वासना है, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी आरती करें, लोग मुझे बड़ा माने, ये भावना है तो भी वासना है, नरक मिल जाकर विदाई जरूर। आप लोग भगत लोग हैं, आपके मन में संतों के लिए गुरुजनों के लिए बड़ी भक्ति भावना है, आप संतों को गुरुजनों को पूजनीय मान करके, श्रेष्ठ मान करके आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आरती करते हैं। और जिस समय आप आरती कर रहे हो उसमें आपका मन एकदम प्रसन्न है, गुरु की भक्ति में डूबा हुआ है, तो आप मानो स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम मान लें वाह हम कितने बड़े हैं, इतने हमारी आरती कर रहे हैं, तो हम तो सड़के नरक में,